लेकिन सोचे थे पूरा खुला आएंगे लेकिन आए नहीं, थोड़ा दिल टूट गया हम लोगों का। अच्छा आप लोग देखने के लिए आए थे खुला खुले में? हाँ, रोड शो देखने आए थे। अंदर से झूठ मूठ कैसे करने से क्या फायदा? अच्छा कोई देखा भी नहीं, बच्चा सब अभी इंतजार कर रहा है कि अभी आएंगे। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के हिनू चौक पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है वो यहाँ से पार हुआ है। यहाँ से चलते हुए वे रास्ते में होते हुए बीजेपी ऑफिस होते हुए न्यू मार्केट जाएंगे, रातू रोड, जहाँ पे वो कुछ ही देरों बाद राजभवन जाएंगे, वहाँ पे वो रात्रि विश्राम करेंगे। यहाँ पे लोग हैं जो कि डटे हुए थे, कई समय से यहाँ पे रुके हुए थे प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेहरे पे कितनी मुस्कान है लोगों के। कब से इंतजार कर रहे थे? 5 बजे से मैं हम लोग कर रहे थे। वो कमल के फूल लिए हुए थे, ऑरेंज टोपी था, बाहर निकलना चाहिए था। अच्छा इतने देर इंतजार की, बाहर निकलना चाहिए। हाँ तो अंदर से झूठ मूठ कैसे करने से क्या फायदा? अच्छा कोई देखा भी नहीं, बच्चा सब अभी इंतजार कर रहा है कि अभी आएंगे। अच्छा आप उनको रुकना चाहिए था? तो रुकना नहीं चाहिए था, निकलते उतना ही में धीरे धीरे जाना चाहिए था। इतना फोर्स है, कुछ नहीं होता, डरने का बात नहीं था उनको। क्या नाम है? देखना चाहिए था, रहना चाहिए था। मेरा नाम तो अभिजीत कुमार है। अच्छा मेरा नाम नमिता है। तो लोग थोड़ा सा संतुष्ट नहीं है प्रधानमंत्री मोदी से। ये लोग आशा कर रहे थे कि वो थोड़ा देर रुकेंगे, उनकी गाड़ी थोड़ी रुकेगी और वो लोगों को बाहर निकलकर हाथ दिखाएंगे। हाँ क्या नाम है? विनय वर्मा। अच्छा मोदी जी रुके नहीं, हाथ नहीं दिखाए? हाँ गलत कर दिए। कितने देर से इंतजार कर रहे थे? 2 घंटा से सर, 5 बजे से। 5 बजे से? जी सर। तो अभी तो वो पार हो गया, अभी वो आगे जाएंगे। दिखे भी नहीं सर, बस कमल फूल दिखा, लाइट जलता हुआ और कुछ। तो मेन तो वही है, और क्या देखना है आपको? कम से कम कमल का फूले, कमल का फूले तो मेन है वो तो वोट। आप यहाँ पे और भी लोग हैं? आप कब से आए थे? 1 घंटा पहले से। 1 घंटा से मोदी जी दिखे? हाँ दिखे। अच्छा रांची में इससे पहले भी आ चुके हैं? हाँ पहले भी देखे, उस बार तो अच्छे से देखे थे, अच्छे से हाथ हिलाए थे, पर इस बार आगे सीट पे बैठे थे, हम लोग देख के संतुष्ट हुए। अच्छा हाँ रानी चश्मा लगाई थी बात यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम होगी रंजीता शर्मा। अच्छा देखिए मोदी जी को? मोदी जी को देख ही कहाँ पाए, हम लोग इतना देर से इंतजार कर रहे थे कि एक बार वो कम से कम रैप तो कर सकते थे, लेकिन कब आए, उनका गाड़ी कब चला गया, हम लोग को पता भी नहीं। बाद में पता चला कि मोदी जी तो आके चले भी गए। बच्चा सब अभी भी इंतजार कर रहा है काफी, कम से कम उनको ज्यादा नहीं, लेकिन एक बार थोड़ा सा रुक के एक बार ऐसे सबको हाई कर देना चाहिए था उनको। अच्छा तो ये जरूरी था, ये जरूरी था, क्योंकि उनको जब वो हम लोगों के लिए आए थे ना, जनता के लिए, तो एक बार जनता को कम से कम हाई करके अपना एक झलक दिखा देना चाहिए था। ज्यादा देर बहुत बात खत्म करिए जल्दी। और कहां से? मैं तो झारखंड। ये हारने का लक्षण है? अरे हारने का लक्षण है। मोदी जी को थोड़ा सा दिखाना चाहिए था, आए गाड़ी में बैठे बैठे चले गए, दर्शक तो उत्साह था, 2 घंटा से दर्शक खड़ा है कि मोदी जी को, हम मोदी जी को देखेंगे, और मोदी जी आए और मोदी जी डायरेक्ट निकल गया, दर्शक तो देख नहीं पाया, दर्शक वेट किया कि मोदी जी को देखेंगे, अब मोदी जी को देख भी नहीं पाया। क्या नाम है आपको? आदिति कुमारी। कब से इंतजार कर रहे थे? वही कुछ 2 घंटे से। और मोदी जी को नहीं देख पाए? किसी को कोई नहीं देखा, हम तीनों में से कोई नहीं देखा मोदी जी को। इस बार में रुकना चाहिए था, यहाँ पे धूप में खड़ा था, धूप में खड़ा था। नाराज है फिर भी मोदी आएगा? अच्छा नाराज इस बार फिर मोदी सरकार। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो उत्साहित थे नरेंद्र मोदी के यहाँ आने से, यहाँ से गुजरने से, नाखुश हुए इस बात से कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं रुके, लोगों को थोड़ा रुक करके वो हाथ हिलाते तो उसी से प्रसन्न हो जाते। आप देख सकते हैं ये हिनू चौक का माहौल है, लोग एक एक करके अब रास्ते की ओर निकल रहे हैं। कई घंटों से लोग यहाँ पर खड़े थे बैरिकेडिंग के बाहर, रोड पूरा जाम था। अब रोड पर जो आवागमन है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं, अब वो सीधा यहाँ से राजभवन की ओर जाएंगे, जहाँ पर वो आज रात्रि विश्राम करेंगे। फिर कल 9:30 बजे वो दोबारा इसी रांची एयरपोर्ट पे आएंगे और यहाँ से वो पलामू की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये था आज का पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हिनू चौक का। तो इसे देखकर आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स में बताइए। लोगों में थोड़ी नाखुशी दिखी, नाराजगी दिखी प्रधानमंत्री मोदी के ना रुकने से, उसके बारे में भी लोगों ने खुलकर बात की। धन्यवाद।